हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के न्यूमेरिकल्स। तो धीरे धीरे मैं सब न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, जो टॉपिक आज का है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये क्या होता है इसके लिए पहले छोटा सा बेसिक्स ले लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम लोग को अलाइड एंगल के बारे में सुना रहेगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे लोग को अलाइड एंगल फर्स्ट टाइम नाम सुना, तो अगर मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या तेरे को अलाइड एंगल आता है, तो उसका आंसर क्या आएगा मालूम है? सर खुदा कसम, अगर मुझे वो आता तो मैं यहाँ पर क्यों आता, मैं तो खुद से कर लेता। तो उसका आंसर तो मिल गया, तो मैं बोलूँगा चल भाई 100 में से 80 लोग को पता है तो 20 लोगों को नहीं पता है, तो 20 लोगों के बारे में भी आज डिस्कस होगा इस वीडियो में ही होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री सुन के डर लग रहा ना भाई मैं कर पाऊंगा नहीं, सर मैं नहीं कर पाऊंगी, डरो मत, तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं हूं ना, मैंने बोल दिया मैं हूं। सिर्फ तुम लोग का काम है बुक और पेन निकाल के बैठ जाओ, इस वीडियो के साथ नोट्स बनाते चलना। तो प्लीज वीडियो पॉज करके अपना नोट्स लेकर आ जाओ, बुक में कलम ले लो, अपना नोटबुक, जो कलरफुल पेंसिल लगता है वो सबको तुम्हारे सामने रखो और मजे से पढ़ो और सीखो और पढ़ो, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक्स हो जाए। यहाँ पर अगर मैं प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बता, यहाँ पर अगर मैंने तेरे को बोल दिया एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7, तो मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं? देखो बच्चा, इक्वल टू दिख रहा है तो इसको इक्वेशन बोलोगे, और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है सॉल्व। क्या लिखा है यहाँ पर? सॉल्व। क्वेश्चन मेरा सिंपल है, सॉल्व। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया ना सॉल्व, तो इसके बारे में समझो, कभी भी तुम्हारे लाइफ में ऐसा लिख के आया सॉल्व, तो तुम लोगों को क्या करना मालूम है? उस इक्वेशन में जो अननोन है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो जरा ये देखो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर अगर मेरे को x का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करते थे हम लोग, 7 माइनस 2 मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ये क्या है, x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब मैं ये बोलने वाला हूँ कि सर जी x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। देखो वर्ड यूज कर रहा हूँ सॉल्यूशन, अपना टॉपिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देखो एक तो वर्ड से फैमिलियर हो पा रहे हो, क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बच्चा ये याद रखना, गिवन इक्वेशन। तो ये सॉल्व का फुल फॉर्म होता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन फाइंड करना। इसका मतलब समझो, ये SOLVE कहीं पर भी लिखा है ना, इसका मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और सॉल्यूशन का मतलब होता है उस इक्वेशन में कोई अननोन है तो उसके बारे में उसका आंसर निकल के दे दे। यहां पर आ जाओ, जरा एक बात बताओ, ये तो हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग अल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अल्जेब्रिक इक्वेशन। स्पेलिंग देखो, अल्जेब्रिक लिख रहा हूं, बोलते हैं अल्जेब्रिक है, अल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू दिखेगा, अलजेब्रा मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ तो पावर में दिखेगा, एक्स वाई ये सब दिखेगा ना भाई। अगर मैं बात करूं सेकंड वाला पार्ट, अब देखो यहां से अपना पिक्चर चालू होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अगर मैंने बोल दिया साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। अगर मैंने लिख दिया साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। सोचो क्या अपने को 9वीं 10वीं से टीचर लोगों ने इतने अच्छे से डील किया है, क्या तुम लोग इसका आंसर तो मुझे दे ही सकते हो? बताओ x की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू लिखूंगा तब जाके। जैसे देखो साइन का अपने को क्या क्या आता है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इतना तो हम लोग को बचपन से ही आता है। तो जरा बता बच्चा, इसका आंसर आता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 क्या होता है √3/2, और ये होता है 1। तो जरा सोच समझ के आंसर दे दो, x की जगह पे मैं ऐसा क्या लिखूंगा, बोलो इस x की जगह पे मैं ऐसा क्या लिखूंगा तब जाके मुझे हाफ मिलेगा। सर x की जगह पे आप 30 डिग्री लिखो, अब x की जगह पे 30 डिग्री लिखो, इसका मतलब यहां पर क्या लिखोगे, साइन x। इसको लिखने का तरीका है, साइन x इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखो। देखो बोलने का तरीका है, एक ने पिंटू बोला तो एक ने पिंटिया बोला, इंसान एक ही है बस उनका नाम अलग अलग दे दिया, इसका पेट नेम पिंटू है, अच्छा इसको और प्यार से इसको उस लोग पिंटिया बोलते। तो वैसे एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री, दोनों ही एंगल के मेजरमेंट है, यूनिट होता है। तो रेडियन मतलब पाए, और पाए मतलब यहाँ पर डिग्री में 180 डिग्री बोलेंगे। बोलो याद रहेगा, आगे चल के मैं सबको डिस्कस करूंगा, सिर्फ इतना याद रखना, पाए इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू क्या बोलोगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर बताओ 30 डिग्री को, यहाँ पर 30 डिग्री को क्या लिखते मालूम है, पाई बाय सिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर साइन पाई बाय 6, बोलो याद रहेगा तुम लोगों को। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू पाई बाय 6 बोलो, या फिर उसको उसके पेट नेम से बुला लो 30 डिग्री। सर इधर x का वैल्यू क्या, x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यहाँ पर क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 6 और 30 डिग्री इज द सॉल्यूशन ऑफ
इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब उस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री दिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री और इक्वल टू दिखेंगे, अरे बात तो सेम ही है। तो सर जी यहां पर क्या आ गया बच्चा, दोनों ही इक्वेशन में हमने एक्स का वैल्यू निकाला, तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया पहला और दूसरा, सॉल्व का मतलब समझ गए तुम लोग क्या होता है सॉल्व का मतलब, एक बार वापस अपने आप से बात कर लो। एक इक्वेशन है जिसमें अननोन जो दिया रहेगा ना उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अगर टीटा दिया है तो टीटा फाइंड आउट कर, टीटा दिया तो टीटा फाइंड आउट कर। मतलब कल के दिन ऐसी क्वेश्चन में यहाँ पर साइन एक्स की जगह पे साइन टीटा इज इक्वल टू हाफ दिया है, तो तुम लोगों को टीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। मेरी बातों को समझ पा रहे, अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करने को ही सोल्यूशन बोलते हैं। अब आगे चल के जब देखा तो हम लोग को मालूम पड़ रहा है इस चैप्टर में जो सीखना है वो दो टाइप की सोल्यूशन पढ़ना है। अब वो दो टाइप की सोल्यूशन क्या होते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर। अब जो टाइप के अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक से पढ़ना है, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट, ये तुमने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ लिया, अब यहाँ पर आ जाओ 11वीं 12वीं में अपने को ये पढ़ना रहता है। तो हम लोग को टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन हेडिंग डालना स्टार्ट करते, दो टाइप के, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है क्या है प्रिंसिपल, देखो PAL है, PLE नहीं है, PAL प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। मैं बात करता हूं यहां पर क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। देख बच्चा चीजें समझ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब और जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो तुम लोग एक्स निकालते हो ना, जो तुम लोग एक्स निकालते हो उसके ऊपर एक कंडीशन डाल दिया, वो कंडीशन क्या अभी बात करेंगे। जरा एक बात बताओ, थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ प्रिंसिपल और जनरल के बारे में, ताकि बच्चे लोग ना फील कर पाए। देख भाई बचपन से ही अपन ने ये इसके बारे में सीखा है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, गॉसियन प्लेन तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलते हैं, इसमें कार्टेशियन प्लेन बोलो, यही कार्टेशियन प्लेन मतलब यही, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, बोलो ये क्लियर रहेगा। अच्छा कल के दिन है ना मैंने एक डायग्राम दे दिया, मैंने ऐसे दिया, वैल्यू मानो मत, मैंने ऐसे बोल दिया कि चल भाई ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ कुछ तो एंगल बनाया, इसने कुछ तो एंगल बनाया, कुछ तो एंगल बनाया। अब वो कुछ तो एंगल के बारे में उससे पहले ये चीज़ समझ लो, ये कुछ एंगल जो होता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, बराबर है। आगे 90-90 का पढ़ते जाओ, 90-90 का टेबल पढ़ते जाओ, 360 के बाद क्या था 90+90 करेंगे तो 450 हो जाएगा, बराबर है 450 हो जाएगा, वापस पढ़ते जाओ 450+90 540 हो जाएगा, और ये क्या होगा 630 डिग्री हो जाएगा, 630 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा ये 720 डिग्री हो जाएगा, बराबर ये चीज 720 डिग्री के बाद और क्या होगा, चलो 9 का टेबल पढ़ रहा हूँ, बस 9 का टेबल पढ़ के आगे 0 चिपका रहा हूँ, यहाँ पर 81 हो जाएगा, 81 डिग्री हो जाएगा, समझ रहा है, और 90 कर देंगे तो क्या होगा 90 प्लस करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, 900 डिग्री, और आगे पढ़ो और पढ़ो, तुम लोगों को चीज़ें कुछ समझेगा, 990 डिग्री हो गया, 990 डिग्री, और यहाँ पर प्लस करेंगे, मुझे इतना नहीं आता तो यहाँ पर प्लस 90 कर देते, और ये 0 या 18 यहाँ पर 1080 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये तो इतना तो मानते हो तुम लोग, ये जो भी प्लेन है, ये जो भी प्लेन है बच्चा सुन मेरी बातों को, ये जो भी प्लेन है इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और ये नेवर एंडिंग प्लेन है। जरा एक काम कर, एक सर्कल बनाना, एक सर्कल मतलब सर देख 0 डिग्री, 0 से 90, 180, 270, 360, एक चीज नोटिस किया किसी ने, एक चीज नोटिस किया 360 के बाद ना सर्कल रिपीट हो रहा है, सर्कल रिपीट हो रहा है, क्यों ना मैं एक ही सर्कल के बारे में बात करूं। जरा यहां पर देखो इसको समझ लो, ये कुछ तो लोकेशन है, इसको किसी ने बोल दिया 30 डिग्री है, क्या हो गया मतलब वो उसने क्या बोला, देखो मैं इधर खड़ा था, मैं इधर से इधर आ गया, तो कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ पर देखो, ये जो भी सोल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन का मतलब हो रहा है हम लोग को एंगल के बारे में बात करना है, एंगल मतलब डिग्री वगैरह। अभी फिलहाल के लिए चीज़ें समझो, मैं आगे चल के बहुत सारे बातें करने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार टॉपिक बनने वाला है। अच्छा किसी बच्चे ने उठ के आया, मतलब एक का नाम साहिल है, साहिल उठ के बोला सर इसका आंसर 30 डिग्री, मैंने बोला बहुत सही। और एक बच्चा है, एक बच्ची है जिसका नाम अंजलि है, अंजलि ने बोला सर 30 डिग्री नहीं 390 डिग्री है, अरे अच्छा ये 390 डिग्री, अब ये मत बोलो सर बड़ा बन गया तो 390 डिग्री, नहीं यहाँ पर इसी को क्या हो गया, उसने क्या बोला सर 390 डिग्री, ये कैसा बात हो गया भाई, एक बच्चे ने सही बोला, देखना 0 डिग्री था, थोड़ा उठ के आया 30 डिग्री। अच्छा जब मैंने अंजलि से पूछा कि अंजलि बच्चा ऐसा क्या सोच ली, बोली कि सर आपने ये कब बोला कि पहले रोटेशन में होना चाहिए, हो सकता है मैं ऐसा खड़ी हूँ और मैंने ऐसा आते 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 360 डिग्री कर ली और फिर मैं 30 डिग्री चली। मैंने बोला क्या दिमाग लगाया बंदी ने,
300 समझिए, जरूरी नहीं वहां पर चला तू घूम के पूछ, एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद पूछ 360 तो मैं ऐसे घूम के आई सर और 30 चल गई 390। तो अब साहिल बोला भाई अच्छा तो सर इसका मतलब मैं इसको, मैंने 30 डिग्री बोला था ना, चलो मैं सर इसको 750 बोलूंगा, मतलब वो एक ही बंदे ने इसको 750 डिग्री बोले लग गया। तो मैंने बोला बता क्यों ऐसा, तो बोला सर अंजलि ने क्या बोली, अंजलि ने क्या बोली, एक रोटेशन कंप्लीट कर 360 हो गया 30 चल। तो सर मैं दो रोटेशन चलता हूँ ना, 0 डिग्री पे था, एक रोटेशन 360, फिर दूसरा रोटेशन 720, अब मैं 30 डिग्री चलता हूँ। मैं बोला भाई ऐसे बात करेंगे तो एक ही क्वेश्चन का आंसर एक कई बहुत सारे आंसर आने लगेंगे, बहुत सारे आंसर आने लगेंगे, मतलब समझ रहे, 30 डिग्री भी सही है, 390 डिग्री भी सही है, 750 भी डिग्री सही है, इसका मतलब 1080 प्लस 30 करो, 1080 प्लस करेंगे तो 1210 ऐसे कुछ तो आंसर आ जाएगा, सब 1110 ऐसे कुछ आ जाएगा, तो ऐसा तो बहुत सारे आंसर आएंगे एक्सेट्रा, मैंने लिख दिया एक्सेट्रा। तो जब इसका मतलब बोलना क्या चाहते हो, इसका मतलब आगे चल के अभी मालूम पड़ेगा तुम लोग को कि भाई जब एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे, एक रोटेशन में एक सॉल्यूशन, दूसरे रोटेशन में दूसरा आ गया, तीसरे रोटेशन में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवे में पांचवा, इसका मतलब उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। यहां पर बहुत सारे सर्कल के बारे में बात होएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ने क्या बोल दिया मालूम है, एक काम करते भाई तुम लोग ना दुनियादारी का आंसर बोलेंगे, साहिल 390 बोल रहा है, अंजलि 750 बोल रही है, ऐसा वाइस वर्सा। तो एक काम करता हूँ सबके लिए एक ही कंडीशन डाल देता हूँ, सब लोग आज के बाद जो भी आंसर बोलोगे एक 0 से 360 के बीच में आंसर बोलो, 0 से 360। अब मैंने बोला साहिल आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो मैंने कंडीशन डाल दिया 0 से 360 के बीच में, अब मैंने बोला साहिल आंसर क्या आएगा, उसने बोला 30 डिग्री, अंजलि आंसर बोलो वो भी बोलेगी सर 30 डिग्री। तो मैंने बोला आप क्यों नहीं बोल रही है, आप क्यों नहीं बोल रही है 390, तो बोलेगी आपने तो कंडीशन डाल दिया 0 से 360 के बीच में आंसर बोलना। तो भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन वही बोलता है कि एक्स का जो वैल्यू है 0 से 360 के बीच में होना चाहिए, 0 से 360 के बीच में होना चाहिए। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर तो अनलिमिटेड सॉल्यूशन आएंगे, अनलिमिटेड सॉल्यूशन आएंगे। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, तो हम लोग है ना ये अनलिमिटेड सॉल्यूशन को इतना सारा थोड़ी ना लिखते बैठेंगे 30, ऐसे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ एन लिखेंगे, एन इज इक्वल टू 0 मतलब पहला रोटेशन, एन इज इक्वल टू 1 मतलब दूसरा रोटेशन, एन इज इक्वल टू 2 मतलब तीसरा रोटेशन, मतलब इन, ये अभी आगे का पार्ट है, इन टर्म्स ऑफ एन मतलब एन में आंसर आएगा, अभी इसके बारे में सोचना नहीं है। सोचना क्या, ये चीज समझो, मैंने कंडीशन डाल दिया हटा दो इसको आंसर, यहाँ पर मैंने कंडीशन डाल दिया, क्या कंडीशन डाला, तो अभी जो भी बात होएगा सिर्फ इसके बारे में बात होएगा, जीरो से जो भी तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर आएगा। देखो तो क्या ये बता सकता हूँ ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है, देखो सर इसमें एन वगैरह नहीं दिख रहा है, आप जो भी आंसर बोले ना 0 से 360 के बीच में बोले, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है ये क्यों बोले, अरे इसका और भी आंसर है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो 0 से 360 नोटिस करना, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं एक्स, अच्छा 360 को क्या लिख सकते हैं, 2π लिखते हैं, 2π। नोटिस करने वाली बात ये कि 2π को पिक्चर में नहीं लेना है, 2π को पिक्चर में नहीं लेना, मतलब सर बच्चा देख 0 डिग्री घूम, 90 डिग्री और 180 डिग्री और क्या आएगा 270 डिग्री, 360। देखो नोटिस करो 0 डिग्री और 360 एक ही है, अरे भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, 0 डिग्री और 360 एक ही है, तो दोनों में से एक ले, क्योंकि कल के दिन वापस साइन उठ के बोलेगा सर 0 डिग्री, अंजलि बोलेगी 360, मैं उसमें भी बोल देता हूँ दोनों का आंसर सही है, लेकिन मैंने कंडीशन डाला 360 को 0 से 360 के बीच में, 0 चलेगा 360 चलेगा नहीं तो मैं 360 लिखूंगा नहीं। तो मतलब सर ज्यादा से ज्यादा ये क्या आएगा 360, तो ना 359 आएगा बस, अरे बोलो समझा कि नहीं, 360 नहीं चलेगा, 359, अरे बोलो ना समझ पा रहे हो, ये 360 को टच नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, अब जो मैं बात करने वाला हूँ ध्यान से सुनो बच्चा, अपना टॉपिक है आज का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से तुम लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों कंडीशन डाल दिया, अब सबका आंसर एक ही आएगा, अब सबका आंसर एक ही आएगा, जनरल में तो बहुत सारे आंसर आएंगे लेकिन प्रिंसिपल में आप सबका आंसर सेम हो जाएगा। तो पहला टॉपिक जो अपन सीखने वाले हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, लेकिन बच्चा एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुन, मुझे ना छोटा सा चीज़ लगने वाला है जिसको बोलते हैं अलाइड एंगल। सर ये तो वही बात हो गया, मैंने कसम गाया था, खुदा कसम, अगर मुझे अलाइड एंगल आता तो मैं यहाँ पर क्यों आता, अलाइड एंगल नहीं आता सर, मुझे नहीं आता सर, सच बोलूँ तो यही बात है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री सुन के ये ना मेरा जान जल जाता सर, और आप मुझसे पूछ रहे हो अलाइड एंगल आते कि नहीं आता ना, बस नहीं आता, तू अभी इस बात पे ठहरे रहे, इस बात को मतलब बोलते ना यार कि पकड़ के बैठ जा कि तेरे को नहीं आता, अब सिखाने का काम मेरा है। अब जिस बच्चे को आता ना प्लीज 5 मिनट वीडियो आगे भगा के देख लो, नहीं तो तुम्हारा 5 मिनट कीमती 5 मिनट चले जाएगा, और जो बच्चे को नहीं आता यहाँ पर आके सीख लो, यहाँ पर अलाइड एंगल
देखो अलर्ट एंगल क्या होता है ये चीज समझो। अलर्ट एंगल देखो, एक तुम लोग को स्क्रीन पे एक यहाँ पर दिखता रहेगा, जिसको डिटेल में जाके सीखना हो सीख लो, मैं यहाँ पर जो बोलने वाला हूँ यहाँ पर सुनो। अलर्ट एंगल से पहले मैं कुछ चीज़ें तुम लोग को लिखा देता हूँ, साइन थीटा ये याद रखो, कॉस थीटा और टेन थीटा तो तुम लोग को मालूम ही है, टेन थीटा तो हर एक बच्चे को मालूम ही है क्या होता है पता। चल बात कर ही लेते हैं सर, जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, फटाफट बताते जाना, 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये हम लोग को लिख के रखना है। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा ना, एग्जाम हॉल में बैठ के पहले ये लिख लेना। अगर ये नहीं लिखा तो हो सकता है वापस सीट नंबर लिखना पड़े नेक्स्ट ईयर सेम, समझ पा रहे हो? नहीं रे, दुआ करूंगा फेल भी ना हो। यहाँ पर चीज़ें समझो, मेरी बातों को सिर्फ सुनो। यहाँ पर अपन को जाके जैसे क्वेश्चन दिखा ना, प्रिंसिपल या जनरल दो ही मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो पहले सूट एट साइड ये टेबल बना लेने का। सर आपने कॉट नहीं लिखा, क्योंकि कॉट सेक कोसेक बोलने में ही तकलीफ होता है। तो देख ये तो तुम लोग को बचपन में मैडम लोग ने सिखा दिया रहेगा, भाई अगर तेरे को सीखना है तो जाके सीख तू मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल में। यहाँ पर क्या, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू, और यहाँ पर जीरो। टेन का क्या होता है, जीरो वन बाय रूट थ्री, वन मोर टाइम, जीरो वन बाय रूट थ्री, वन रूट थ्री, और यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइन। देखो याद करने का टेक्निक बहुत सारे, तुम लोग को जैसा तुम्हारे टीचर लोग ने सिखाया, गुरु लोग ने सिखाया, वैसा सीख लो। जीरो वन बाय टू, अच्छा एक चीज बता देता हूँ, ये देख जीरो डिग्री को और भी बोलते हैं, जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय सिक्स, और 45 डिग्री को पाई बाय फोर, और ये पाई बाय थ्री, और ये पाई बाय टू। अगर जिस बच्चे ने जब भी तुम्हारे लाइफ में कभी अटक गए ना, तो याद रखना डिग्री से रेडियन। ए बच्चा ये देख, रेडियन से डिग्री में जाना है ना, रेडियन टू डिग्री, क्या करना मालूम है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना, किससे मालूम है, 180 अपॉन पाए, 180 अपॉन पाए, 180 अपॉन पाए, ये याद रखना। और डिग्री से रेडियन जाना है, डिग्री से रेडियन जाना है, डिग्री से रेडियन, तो इसको मल्टीप्लाई करना पाई बाय 180। एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ तो क्लियर रहेगा। जरा यहाँ पर ये देखो, अगर मैंने बोल दिया 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, रेडियन में बोलो, वही पिंटू को पिंटिया बोलने का, वही डिग्री को, तो 90 लिखने का इंटू पाई बाय 180 लिखने का। देख जीरो जीरो कैंसिल, 9 1 9 2 मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2, बोलो याद रखेगा सबको, बोल दे बच्चा हाँ या ना। तो वैसे ही आगे चल के बहुत सारे दिखेंगे तो हम लोग बात करेंगे, ये याद रखना डिग्री से रेडियन जाना है, एक ही याद रख दूसरा अपने आप याद होएगा, तो तेरी मर्जी। अच्छा यहाँ पर देखो, एक मैंने लिख दिया 2π/3, मैंने ये लिख दिया, अच्छा यहाँ पर पाई दिख रहा मतलब रेडियन है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बोलो, ये जो दिखता है ना सर, हाँ इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये पाई पाई गेट कैंसिल, 3 1 3 क्या आएगा, 60, मतलब 2 × 60 करेंगे तो 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री। अपने अपने हिसाब से कर लो, आगे चल के और शॉर्ट कर दूंगा मैं। सर टॉपिक से हट गए आप, क्या टॉपिक था, अलाइड एंगल ना, आ जाओ अलाइड एंगल। देख एक चीज याद रखना, अलाइड एंगल में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, मेरी बातों को सुन ध्यान से, साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में कॉस और सेक, जाके सीख लेना। अभी फिलहाल के लिए जो मेरा मकसद है यहाँ पर सुनो, ऑल पॉजिटिव। देख ये जीरो डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। एक बात बताओ, 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री को हम लोग बोलेंगे पाए, क्या बोलेंगे हम लोग पाए, जो भी आंसर लाना है रेडियन में लाओ। अब देख बच्चा ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट मतलब बता मुझे, 180 से कम रहेगा या 180 से ज़्यादा, 180 से कम, अच्छा ये वाला बता 180 से ज़्यादा या 180 से कम। सर देखो ना ये जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 से ज़्यादा, ये 180 से ज़्यादा है, तो दो चीज़ तुम लोग को समझा, 180 से कम है, 180 से ज़्यादा है, ये बता। अच्छा 260 के भाव में बात कर, 360 से कम है या ज़्यादा है, जैसे देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 से थोड़ा आगे जाओगे तो 360, मतलब ये 360 से कम है। मेरा बोलने का मतलब सुनो, ये 180 से कम, ये 180 से ज़्यादा, ये 360 से कम, बस ये याद रहेगा तुम लोग को। अलाइड एंगल शॉर्ट में बता रहा हूँ, जाके डिटेल में सीखना रहेगा तो वहाँ पर। तो कभी भी तुम लोग को ऐसा दिखा साइन, देखो ये बच्चा यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, पाए माइनस थीटा दिखा कॉस, पाए माइनस थीटा दिखा टेन, पाए माइनस थीटा दिखा, देख बच्चा क्या करने का, देख क्या करेगा। सर अपने कॉट सेक कोसेक क्यों नहीं लिख रहे, मैं चाहता हूँ उसके पास भाव भी मत दे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन पूरा का पूरा मैं साइन कॉस टेन में ही कराऊंगा, सेक कोसेक करना उससे भी होगा, लेकिन नहीं मैं चाह, मेरे को मालूम है बच्चे लोग को इतना याद करना नहीं जमता, तो ठीक है साइन कॉस टेन। यहाँ पर देख इसको लिखने का, साइन लिखने का और टीटा लिखने का, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कॉस लिखने का, टीटा लिखने का, टेन लिखने का, टीटा लिखने का, मुझे बता ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसमें चारों सब पॉजिटिव थे, इसमें कौन पॉजिटिव थे, सिर्फ साइन, तो कॉस वाले को माइनस लिखने का, यहाँ पर माइनस लिखने का, ये लिख के रख लो, अभी सम करेंगे तो मालूम पड़ेगा। चलो यहाँ पर जरा बोलो, अभी सम कराता हूँ, रुको, साइन पाई प्लस थीटा
कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। जरा एक बात बता दे, सुन मेरी बातों को, सिर्फ सुन। तुम लोगों को क्या करना मालूम है, साइन थीटा लिखना है, कुछ सोच मत, कुछ सोच मत, सोचेगा तो फंस जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मुझे बता इसमें कौन पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। तो टेन को पॉजिटिव रख, बाकी ये दोनों को नेगेटिव रख। बोलो याद रहेगा, अभी समझा दो क्या है ये, क्या है ये बताता हूँ। सेम बता, ये 260 से 360 से कम है। साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। अभी देखो कितना आसान से, सबसे इजीएस्ट टॉपिक तुम्हारे लाइफ का यही होने वाला है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक। अच्छा यहाँ पर सेम सेम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मुझे बताओ चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो कॉस को पॉजिटिव रख, सेक के बारे में तो बात नहीं हो रहा, बाकी दोनों नेगेटिव। मेरा बोलने का मतलब, और यहाँ पर क्या, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। और ये ऑल पॉजिटिव मतलब क्या है, जीरो से हटा दे तो इसको जीरो पाई। मेरी बातों को ध्यान से सुन बच्चा, सिर्फ तेरे को इतना लगने वाला है बेसिक्स में, और कुछ भी नहीं। एक सम, दो सम, तीन सम, चार सम हो जाए उसके बाद तुम लोग बोलेंगे सर सबसे आसान मेरे लाइफ का यही है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि सर एक सम आ जाए एग्जाम में, एक सम आ जाए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, ताकि दो मार्क्स मेरे खाते में आ जाए, मेरे पॉकेट में आ जाए, मेरे जेब में आ जाए। सर एक मिनट वापस बात कर रहा हूँ, ये क्या ये बता देता हूँ, ये क्या इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर सुनो मेरी बातों को, सिर्फ मेरी बातों को सुनो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जीरो से 360 के बीच में आंसर आना चाहिए, 360 पिक्चर में नहीं आएगा। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, ये टेबल याद रखने बोला आपने, साइन कॉस टेन। आपने ये नहीं बोला कि सेक याद रख, कोसेक याद रख, ठीक है ये मैं याद रख सकता हूँ सर। 180 से कम है, 180 से ज़्यादा, 360 से कम है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर अब तुम लोगों को क्या करना मानू, अपना अपना नाम लिखना है, अपना अपना नाम। अरे सर उसका नाम लिखो क्या सर, सिर्फ बोलो, वो यही तो काम है, बस बोल दूंगा आशीष सर ने बोल दिया, हाथ पे है ना, परमानेंट टैटू है ना। चलो यहाँ पर देख, अगर कभी किसी ने सेकेंड क्वाड्रेंट में बात किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कभी किसी ने साइन थीटा के बारे में बात किया, मतलब सर कभी देखो साइन अपना नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया साइन आशीष, सेकेंड क्वार्टर में मैंने बता दिया सेकेंड क्वार्टर में बात हो रहा है, तो साइन आशीष को मैं क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन पाए माइनस आशीष, याद रहेगा तुम लोगों को। साइन आशीष को मैं साइन पाए माइनस आशीष लिख सकता हूँ, इसे समझा नहीं, एक मिनट रुक जा। मैंने ऐसा इस बात किया ना सेकेंड क्वार्टर, मैंने लिख देता हूँ, मैं ये तुम लोगों को गिवन रहेगा, गिवन। जरा एक मिनट, मैंने बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने क्या बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कभी भी जरा यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसे सब आएगा नौ के नौ। माइनस टेन, माइनस टेन, माइनस टेन, जैसे जिसको मैं पसंद करता हूँ कैटरीना, अभी हो गया काम खत्म उसका, माइनस टेन कैटरीना है, माइनस टेन कैटरीना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा है ना, तो आपने लिखा टेन टू पाई माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर आ जाएगी टेन 2 पाई माइनस कैटरीना। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को, ये सब क्या है, बात करेंगे, बात करेंगे, बस इसको याद रख लो, इसको याद रख लो। तो तुम लोग है ना एक काम करो, 5 मिनट का टाइम लो, पूरा नोट्स लिखो, मैंने पहले बोला था बुक में लिखो, और इसको याद कर लो, फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में। जब तक लोग सोच रहे ना, तुम लोग हटा दोगे इसे, प्लीज़ इसको कॉपी करके नोट्स बनाओ, और 5 मिनट में रिवीजन करके वीडियो को कंटिन्यू करो। सो गाइस अब स्टार्ट करते क्वेश्चन, जहाँ पर लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन ये है। अगर तुम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले हो तो तुम लोग को बता दो, यहाँ पर ये 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, तुम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है क्या यार किताबी कीड़ा बनोगे। टॉपिक ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कुछ भी आने दे, अपन प्रिपेयर रहना चाहिए, हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहो। तो यहाँ पर मैं देखो बहुत सारे सम्स एक्स्ट्रा लूंगा जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा, और कुछ अपने मन से बना के दूंगा। तो यहाँ पर तुम लोग को क्या करना है ये बताता हूँ, तुम लोग सिर्फ हेडिंग में लिखो टाइप 1, हेडिंग में क्या लिखोगे टाइप 1, नहीं यहाँ पर दिख रहा है तो मैं बताता हूँ टाइप 1, उसके लास्ट में ये वीडियो के एंड में तुम लोग को मालूम पड़ेगा मैंने टाइप 1 क्यों लिखा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये टेबल बना लिया, ये तो अपने को मालूम ही है क्या होता है, कॉट टीटा इज नथिंग बट 1/10 टीटा, सेक टीटा 1/ कॉस, क्योंकि क्वेश्चन और भी कुछ आ सकते हैं। साइन कॉस टेन का तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा, ये भी टेबल मैंने बना के रखा है यहाँ पर, तो जरा ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले अगर स्टेट बोर्ड वाले तो कैसा लिखना है ये बताता हूँ। फाइंड क्वेश्चन क्या, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो बच्चा देख, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया है, तो मुझे ये बताओ
साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। साइन आंसर क्या है? आंसर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओवरऑल क्या है? जैसे ये बात करता तो हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा का आंसर क्या है? नेगेटिव है। यहां पर अभी यहां पर नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या ये पॉजिटिव है, तो हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, पहले स्टेट बोर्ड के बारे में बात कर लेता हूं। साइन थीटा इज व्हाट? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है देयरफॉर थीटा लाइज इन व्हाट, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? चलो ये डिसीजन ले लो, ये डिसीजन ले लो। साइन पॉजिटिव कहां पर है? इधर देखो, इधर आ जाओ। साइन पॉजिटिव कहां पर है? अभी तो बात किया था पहले क्वाड्रेंट में, देखो यहां पर पॉजिटिव नहीं, यहां पर पॉजिटिव नहीं। सेकेंड, पहले में तो सब पॉजिटिव थे, तो बाय डिफॉल्ट आग बंद करके बोल सकते पहले में पॉजिटिव। तो थीटा लाइज इन व्हाट? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोल रहे? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ये लिखने का, ये लिखने का। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो भी अपना क्वेश्चन के फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब अननोन, अननोन यहाँ पर एक्स नहीं, अननोन यहाँ पर थीटा है, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर थीटा दो जन के लिए आएगा, एक तो चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आंसर आएगा 0 से 90 के बीच में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में आएगा। देखो दोनों ही जो आंसर आ रहा है 0 से 360 के बीच में ही है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है 0 से 360 के बीच में, और यहाँ पर तुम लोग को दो आंसर आ रहा है। देखते हैं यहां पर, तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने का क्या मालूम है? फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका भविष्यवाणी पहले कर लो। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट सब लोग का ध्यान यहां पर, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट 3/2। चलो साइन थीटा अभी तो सीखा था हमने, रूट 3/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन वाले में रूट 3/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 3, मतलब 60 डिग्री। साइन पाई बाय 3, बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? साइन पाई बाय 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हो, मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिल गया? पाई बाय 3, और पाई बाय 3 मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, आंसर चलेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है भाई? थीटा लिखते थे, चलो 0 से 360 के बीच में होना चाहिए, ये तो 60 डिग्री है, हाँ ये चलेगा, चलो लिख देते। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर, फॉर, फॉर लिख दो यहाँ पर। अब कौन से क्वाड्रेंट के लिए बात करेंगे? फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने तुम लोगों को एक चीज बोला था, अपना अपना नाम लिखो। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये 1, 2, 3 कौन से बकरे को उठाने का? ये वाला। तो हम लोग ने सोच लिया था, याद करो साइन, याद करो आशीष सर ने क्या दिया था? साइन आशीष कहीं दिखा तो उसको क्या लिख सकते हो? साइन पाई माइनस आशीष लिख सकते हो, बराबर है? देखो टिक किया मैंने यहाँ पर, तो ये देखो साइन थीटा लिखो, रूट 3/2 लिखो, फिर से साइन थीटा लिखो, फिर से यही वाला लिखने का। लेकिन लेकिन अब तुम लोग में से कुछ बच्चे सोच रहे कि सर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, अरे बच्चा सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री चलेगा क्या? नहीं। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये आशीष है, यह आशीष है, चलो इसको छेड़ दो। कैसे लिखेंगे? साइन आशीष को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन आशीष को साइन पाई माइनस आशीष, पहला समय इसलिए तकलीफ होगा लेकिन हो जाएगा, समझ लो ये आशीष है, तो साइन पाई माइनस आशीष, आशीष मतलब पाई बाय 3, मतलब आशीष माइनस थीटा मतलब पाई बाय 3। अब यहाँ पर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 पाई, पहला दूसरा सम होने दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। 3 पाई माइनस पाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई अपॉन में 3, आंसर क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू और साइन 2 पाई। अब थीटा का वैल्यू लिखो 2 पाई बाय 3। अब मैं तुम लोग से कुछ चीजें आंसर पूछता हूँ, बस हो गया, 2 मार्क्स मिल गया, 1 मार्क 1 मार्क। अब स्टेट बोर्ड में अगर आया है तो यहाँ पर लिखो। अच्छा पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? डिग्री में कन्वर्ट करके देखो, डिग्री में कन्वर्ट, पाई बाय 3 का मतलब होता है क्या? अच्छा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सर आपने बोला 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का, 180 अपॉन पाई, पाई पाई गेट कैंसिल, कितना बचा? 60 डिग्री। हाँ ये आंसर राइट है। अभी यहाँ पर भी देख लो, 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाय 3, डिग्री में कन्वर्ट करके देख लो, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का, पाई पाई गेट कैंसिल, 3 1 3 60, 120 डिग्री, हाँ चलेगा। अरे भाई सेकेंड क्वार्टर में 120 चलेगा और फर्स्ट क्वार्टर में 60 चलेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं पाई बाय 3 लाइज बिटवीन व्हाट? 0 से 2 पाई के बीच में। और यहाँ पर भी लिख लो, इसको भी ऐसा खाचा बना दो, 2 पाई बाय 3, सर जी 0 से बड़ा और इसको इक्वल मत दिखाना, ए 2 पाई। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, ऑफ क्या लिखोगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 इज क्या लिखोगे? पहला पाई बाय 3 एंड क्या आएगा? 2 पाई बाय 3, ये आंसर है। सर जी थोड़ा तकलीफ है, रुक जा, सबर रख बच्चा, बहुत सारे सम्स करने का, एक सम में काम नहीं होएगा जब तक न्यूमेरिकल्स मल्टीपल नहीं करेंगे अलग अलग तरीके का, तब तक मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है, क्या आएगा पहले लिखना है पॉजिटिव है या नहीं, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट भविष्यवाणी पहले टिक कर लेने का, पहले टिक कर लेने का। अभी मैं सम लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, तब तक इसका फोटो ले लो या नोट डाउन कर लो।
चलो डन, ग्रेट। अब यहां पर हटा देता हूं इसको, यहां पर सेकंड क्वेश्चन। चलो टेन टीटा इज इक्वल टू वॉट, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है कि क्या क्या तुम लोगों को सिखाना है। टेन टीटा इज इक्वल टू वॉट, रूट थ्री लिखा है। चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं सब लोगों का यहां पर। चलो 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 एवरीवन, बस तुम लोगों का यहां पर होना चाहिए द वैल्यू ऑफ, पहले बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव है। टेन टीटा के बारे में बात हो रहा ना, द वैल्यू ऑफ टेन टीटा इज वॉट, पॉजिटिव। तो यहां पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ टेन टीटा इज वॉट, क्या लिखोगे, पॉजिटिव। आगे देयरफॉर, अच्छा ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेन टीटा कहां कहां पर पॉजिटिव है जरा देखो, कहां कहां पर पॉजिटिव है, कहां कहां पर पॉजिटिव जरा देखो। तो मतलब सर एक तो पहला क्वाड्रेंट और एक दूसरा तीसरा 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 क्वाड्रेंट। देखो यहां पर, देखो यहां से मालूम पड़ता है टेन कौन सा पॉजिटिव कौन, तो आंसर क्या आएगा, आंसर दो आएगा, एक पहले क्वाड्रेंट के लिए और एक थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। चल भाई फर्स्ट टेन वॉट क्या लिखेंगे यहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आसान होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आसान है अपने लिए। क्या आएगा पहले तो क्वेश्चन लिखो, हमेशा क्वेश्चन पहले लिखा करो। टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब जीरो से नब्बे के बीच में आएगा, हाँ चलेगा। चलो बोलो टेन थीटा रूट थ्री का वैल्यू क्या है, टेन का वैल्यू रूट थ्री कब आता है, टेन पाई बाय थ्री, वापस सेम ही आया सर, टेन क्या आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आया, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, और ये 60 डिग्री है मतलब ये पाई बाय थ्री, ये आंसर चलेगा, जीरो से टू पाई के बीच में है, बरोबर है सीन्स, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर किसके लिए, कौन से क्वाड्रेंट के लिए बात हो रहा है सर, थर्ड क्वाड्रेंट, तो लिख दो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा वापस थर्ड क्वाड्रेंट में किसको हाईलाइट किया, यहाँ पर वापस बात कर लेते हैं टेन आशीष को, टेन आशीष को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाए प्लस आशीष, बोलो याद रहेगा सबको, यहाँ पर कहीं पर भी दिखेगा तो ऐसे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, चलो रूट थ्री का एक्चुअल वैल्यू बता, रूट थ्री का एक्चुअल वैल्यू बता, रूट थ्री का एक्चुअल वैल्यू क्या, टेन पाई बाय थ्री। यहाँ से देख लो, देख जब ऐसा हुआ ना तो टेन के टेबल में जाने का, रूट थ्री देखने का, रूट थ्री कब आता है, टेन पाई बाय थ्री। ये होने के बाद आप क्या लिखोगे, प्लीज डोंट से कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, क्यों, अरे बच्चा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए नहीं चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तेरा जो भी आंसर है ना 180 से 270 के बीच में होना चाहिए। तो बात हो गया यहाँ पर, इसका नाम क्या है आशीष है, इसका नाम क्या है आशीष है, तो टेन आशीष को क्या लिख सकते हो, टेन पाई प्लस आशीष, तो टेन पाई प्लस आशीष मतलब पाई बाय थ्री, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री पाई प्लस पाई, फोर पाई बाय थ्री, और टेन थीटा। अच्छा ये इसका मतलब, अच्छा ये देख लो, जो बच्चे को भरोसा नहीं अपने आंसर पे वेरीफाई करो, फोर पाई बाय थ्री का मतलब क्या होता है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई, पाई पाई गेट कैंसिल, 3 1 3 6 0 6 12 24 240 डिग्री, हाँ 240 चलेगा, अपना आंसर क्या आना चाहिए, 0 से 360 के बीच में, हाँ चलेगा। तो 4 पाई बाय 3 0 से 2 पाई के बीच में, देयरफॉर अभी क्या लिखोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, किसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट थ्री इज क्या लिखोगे, पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, समझ पा रहे हो, देखो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे अपन, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। तीसरा बात करूँ, तीसरा बात करता हूँ, चलो एक काम करो, इसका भी फोटो ले लो, डन यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, अब तीसरा, तीसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ लिखा है, क्या लिखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, रेडी एवरीवन, चलो यहाँ पर आ जाओ। चलो बोलो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है। अच्छा कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, इसको हटा दो, कॉस पॉजिटिव कहाँ पर है सर, एक तो पहला क्वाड्रेंट है और दूसरा देखते हैं इधर है क्या, नहीं इधर है क्या, नहीं इधर है, चौथा क्वाड्रेंट, यस पहला और चौथा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड व्हाट, क्या लिखोगे यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे हिसाब से इतना चीज समझ गया अपने को। आंसर कैसे लिखेंगे सर, आंसर तो बहुत आसान है, आंसर तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, देख दो दो मार्क्स मिलते जा रहा है। अब तुम लोगों को कितना आसान लगते जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो यही देखना है ना, हाँ देख ले। चल बता, पहले तो क्वेश्चन लिख, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, चलो 1/2 को क्या लिख सकता है, कॉस में 1/2 को क्या लिख सकता है, पाई बाय 3। इत्तेफाक की बात है, जो जो क्वेश्चन ले रहा हूँ सब में साठ आ रहा है, हर बार ऐसा नहीं रहेगा, नहीं तो तुम लोग अब बोलोगे हर बार कॉस पाई बाय 3। थीटा का वैल्यू क्या मिला, पाई बाय 3 मिल गया। थोड़ा देखो अभी स्पीड बढ़ चुका है, और फिर से लिखने का इंग्लिश में, पाई बाय 3 का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, ये चलेगा। और भी आंसर है, पहले तो जब हम लोग को पता नहीं था ना ये सब, तो हम लोग एक ही आंसर लिखते थे बाय डिफॉल्ट पहला वाला, लेकिन अब समझता नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में और भी एक आ सकता है, मतलब दो सॉल्यूशन आ सकते हैं,
एक ही क्वेश्चन के, देखना, क्योंकि कॉज तो पॉजिटिव पहले में तो है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी है। चौथा वाला तो डायलॉग क्या आएगा बच्चा, देखो क्या लिखेंगे, कॉस आशीष को, कॉस आशीष को क्या लिख सकते हो, कॉस टू पाई माइनस आशीष। अभी स्पीड बढ़ना चाहिए भाई तुम लोग का। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या लिखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, फिर तुम बोलोगे कि वन बाय टू, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक क्या है, कॉस थर्टी कॉस 60 डिग्री। गलती से भी सर मैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने हेडिंग में लिखा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा 60 डिग्री हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो क्या सकता है, 270 से 360 के बीच में। चल भाई क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है, आशीष है, आशीष है, बोलो क्या लिखेंगे, कॉस क्या लिखेंगे, टू पाए माइनस आशीष। अरे समझाइए नहीं, कॉस देखो ना, कॉस थीटा को क्या लिख रहे, कॉस थीटा को कॉस टू पाए माइनस थीटा, तो ये जो पार्ट रहता है उसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिक्स सिक्स पाए माइनस पाए फाइव पाए बाय थ्री। अब चेक मत करो, चलो अब चेक मत करो, जो भी आंसर आया ना, ये देखो चौथे क्वाड्रेंट में ही है, तो यहाँ पर लिखो टेन कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, हाफ इज 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 फाइव बाय थ्री एंड वॉट फाइव पाई बाय थ्री। चीज़ें आसान लगने लगेगी अभी, अभी तो चीज़ें आसान लगेगी, तो एक काम करते, बात यह है कि फोर्थ वाला करते, फोर्थ वाला करते, इसका स्क्रीनशॉट मार, चलो हटा देता हूँ फोर्थ वाला। क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि सर आप साइन कॉस टैनिंग क्यों लिख रहे हो, बाकी लिखो ना, बाकी नहीं आता क्या आपको, बाकी नहीं आता क्या आपको, वो बोलो यार, तू तो दिल पे आ गया उतर गया, बाकी आता है ना, मेरे को साइन कॉस टैन के अलावा मैंने कुछ लिखा क्या नहीं। चलो हटा दो, हटा दो इसको, चलो स्पीड बढ़ेगा, अभी स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओ, अब स्पीड बढ़ाना चाहिए। सर सेक थीटा लिखा है बच्चा, मैंने सेक थीटा के बारे में बताया क्या, नहीं, तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ये देखो, देख भाई जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, साइन कॉस टैन के अलावा कुछ आया, अभी भी टाइप वन ही है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल मतलब, अरे भाई मेरे को बचपन में मैडम ने बोली थी कि आशीष बेटा याद रख, ये टू बाय रूट थ्री है ना, इसको ये सेम रहता है, यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री इज सेम एज, ये सेम होता है, अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल करूँ तो भी सेम, सेम मतलब सेक थीटा का उल्टा क्या होता, सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता, कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता, कॉस थीटा, और इधर का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री अपॉन टू। अरे समझाइए नहीं, ये याद रखना, हाँ सेक थीटा इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, दोनों सेम ही है, कैसा है देखो ना, अरे दोनों सेम इसलिए क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, इधर जो भी आंसर आता है ना, इधर जो भी आंसर आएगा इसका उल्टा रहेगा, इधर जो भी आंसर आएगा इसका उल्टा, मेरा बोलने का मतलब ये तो बचपन से पता है, सेम लिखने का बस, ये क्या बोलोगे, सेक थीटा अगर साइन कॉस टैन के अलावा कुछ आया तो उसका उल्टे में साइन कॉस टैन में लेकर आ जाओ। चलो यहाँ पर देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री सेम एज व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेम, तो इसको तो सॉल्व करने आता अपने को, अभी तो किया था, कॉस थीटा देर बोल, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट रूट थ्री बाय टू इज पॉजिटिव, लिखते द वैल्यू, चलेगा ना, द वैल्यू ऑफ अपन, द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव, देर बोल थीटा लाइज इन व्हाट, अभी तो बात किया पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ पा रहे हो, कभी भी इसका मतलब क्या समझा अभी तक, अभी तक क्या समझा वो चीज़ बता दो, कि साइन कॉस टैन के अलावा कुछ अलग आया तो हम लोग दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, सबर रख, चलो यहाँ पर दोनों साइड, चल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये था लेकिन इसके लिखा सेम, तो रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, चलो रूट थ्री बाय टू कब आता है, कॉस का रूट थ्री बाय, देखो पाई बाय सिक्स, इत्तेफाक की बात है इस बार अलग आ गया, ये तो बार बार साला एक ही आ रहा था, पाई बाय सिक्स, अब थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय सिक्स, ए वो लिख लो, हाँ क्या समझिए ना ये चीज। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, सेम पहले क्वेश्चन लिखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, मैंने बात किया, अगर तुमको स्पीड लग रहा है तो जाके यूट्यूब पे थोड़ा स्पीड कम कर दो, लेकिन अब हो चुका है, फैमिलियर हो चुके हैं अपन। चलो भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बच्चा बोल फोर्थ क्वाड्रेंट में, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट छोड़ो, पहले इसका बेसिक नंबर लिखो, पहला स्टेप होता है बेसिक, पहला स्टेप होता है बेसिक, बेसिक मतलब टेबल से, टेबल से, अब देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा क्या थीटा पाई बाय सिक्स चलेगा, सर बकवास कर रहे हो, नहीं चलेगा, तो बता यह आशीष हो गया, यह आशीष हो गया, बता कॉस आशीष को क्या लिख सकता है, कॉस आशीष को कॉस टू पाई माइनस आशीष लिख सकता है, तो कॉस टू पाई माइनस आशीष मतलब पाई बाय सिक्स हो गया, आंसर क्या आ रहा है, कॉस
क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस फाइव, ये देखो जिसको नहीं आता ना अभी भी देख भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 6, ये क्या आएगा 12 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, आंसर आया 11 पाई, तो लिखो 11 पाई बाय 6, ये आया कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या मिला 11 पाई बाय 6। सर एक बात बताओ, क्या बताओ, इसको चेक करके दिखाओ ना, ये आ रहा है क्या अपने फेवर में, आ रहा है क्या 11 पाई बाय 6 ना, देख 11 इन पाई बाय 6 क्या करने का, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई, पाई पाई गेट कैंसिल, 6 वन 30 क्या रहा 330 डिग्री, आगे चल के शॉर्ट कर दूंगा लेकिन अभी इतना सारा पैटर्न सीख रहे तो ये 330 डिग्री चलेगा, 330 डिग्री चलेगा, हजम होना चाहिए। लेकिन फाइनल आंसर लिखते टाइम प्लीज डोंट ट्राई प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ये, जो क्वेश्चन दिया रहता ना वही लिखा करो, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3 इज क्या लिखोगे पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो यहां पर अपने को चीजें क्लियर होता है, एक सम और करते तो अपना टाइप वन क्लियर होएगा, बाद में डिस्कस करूंगा टाइप वन है क्या, सिर्फ अभी सॉल्व कर रहे, सॉल्व करो फिर सॉल्व करते ना, चलो लास्ट वन एक और ले लेते, फोटो ले लो इसका, ले लो फोटो, चलो ले लिया फोटो, चलो यहाँ पर आगे 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 आगे, ये तुम लोग के लिए दे दूंगा। तो लिखा है कॉट टीटा, कॉट टीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट टीटा इज इक्वल टू √3। बता बच्चा तेरे को मैंने क्या सिखाया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कॉट के बारे में सिखाया क्या, नहीं सिखाया, क्या करेगा रेसिप्रोकल करेगा, रेसिप्रोकल क्या करेगा, कॉट टीटा इज इक्वल टू √3 इज सेम एज, इज सेम एज, सेम एज मतलब चल कॉट टीटा का रेसिप्रोकल कर, कॉट टीटा का उल्टा किया तो क्या आएगा टेन डीटा और √3 का उल्टा किया तो क्या आएगा √3 का उल्टा मतलब 1/√3। बोलो ये समझा, 2/√3 का √3/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/, दोनों साइड क्या करना रेसिप्रोकल और लिखने का सेम। तो अपन है ना इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने तो आता है सर, क्या करेंगे बोलो बच्चा, इसको सॉल्व करने तो आता है, द वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे टेन डीटा इज इक्वल टू व्हाट इज व्हाट पॉजिटिव। अच्छा टेन डीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसको हटाओ पहले, कौन से क्वाड्रेंट में, पहला और तीसरा, तो लिखो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा मुझे इसका आंसर खुद से निकाल के दे, यहाँ पर खुद से आंसर निकाले और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, हाँ सर आपका फिफ्थ का आंसर ये है, मैं ये तुम लोग पे छोड़ देता हूँ। अच्छा फाइनल आंसर लिखते टाइम क्या लिखो, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, लेकिन सॉल्व अपन ये कर रहे क्योंकि बीच में क्या लिख दिया सेम, तो मेरे हिसाब से चीज़ें तो आसान लग रही है, टाइप वन क्लियर होता है। अब टाइप टू के बारे में देखेंगे, फिर तुम लोग को जजमेंट बताऊंगा कि क्या क्यों मैंने टाइप वन टाइप टू नाम दिया। प्लीज इतना कॉपी करो, आंसर निकालो, फिर टाइप टू के पास भागते हैं। ओके गाइस टाइप टू, अब देखो टाइप टू में क्या सीखने मिलेगा ये देखो, टाइप वन में खुद से नोटिस करना है, हमने ये नोटिस किया टाइप वन में जो भी लिया ना आपने ट्रिग्नोमेट्री का, उसका आंसर जो भी था राइट साइड में सब पॉजिटिव था। अब सेकेंड वाले टाइप में देखो जो राइट साइड में आएगा ना नेगेटिव आएगा, बस पहले पॉजिटिव को ढूंढते थे अब नेगेटिव को ढूंढेंगे, पहले पॉजिटिव को ढूंढते थे अब नेगेटिव को ढूंढेंगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, क्या लिखोगे द वैल्यू ऑफ, अब चलो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ, इसके बाद है ना मैं ये थियरी लिखना बंद कर दूंगा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नेगेटिव। चलो अब नेगेटिव तो इसका मतलब क्या बोलोगे, सबसे पहले क्या करोगे साइन थीटा, देयर फॉर थीटा लाइज इन व्हाट, देयर फॉर थीटा लाइज इन। चलो देखो नेगेटिव कहाँ पर है, साइन नेगेटिव कहाँ पर है, अब तो पहले क्वाड्रेंट का तो बात ही नहीं होगा, जैसे पहले तो पहले वाले में टाइप वन में तो वो खुश था क्योंकि हर आंसर उसमें आ रहा था पॉजिटिव है, अब टाइप टू नेगेटिव, प्लीज साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव इधर है क्या, नहीं इधर है क्या, हाँ देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्या आ रहा है नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा एक थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आने वाला है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आने वाला है। पैटर्न चेंज मत करना बच्चा, पैटर्न चेंज मत करना, थीटा लाइज इन व्हाट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बच्चा ये क्लियर हो गया। चलो सेम बोलो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखोगे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, चल यहाँ पर सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया उसको लिखो, देखो अभी यहाँ से पहला सम है इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, सबसे पहला स्टेप में ये नहीं होता, पहला होता है बेसिक वैल्यू, 1/2 को क्या लिख सकते हो साइन की जगह पे 1/2 क्या लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो 1/2, साइन में 1/2 क्या आएगा साइन पाई बाय 6, तो क्या लिखोगे इसको -sin π/6। ये होने के बाद गलती से भी ये गलती नहीं करना सर थीटा इज इक्वल टू π/6, नहीं बच्चा नहीं चलेगा, π/6 कैसे बोल सकता है तू इतना कॉमन सेंस लगा सर माइनस, ये माइनस को अंदर फेंक दो, नहीं फेंक सकता, एंगल तेरा किस में चाहिए, जो भी तेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो 0 से 2π मतलब पॉजिटिव एंगल चाहिए और 0 से 360, नेगेटिव एंगल के बारे में तो तू सोची मत,
अगर तू सोचता रहेगा तो थोड़ा नॉलेज रहेगा तो आइडिया। तो बच्चा एक चीज याद रख, किसके बारे में बात हो रहा है? फॉर थर्ड क्वार्टर ना, थर्ड क्वार्टर में जरा देखो, भविष्यवाणी पहले देख लिए थे अपन ने, देखो माइनस साइन आशीष दिखा, दिख रहा है यहाँ पर माइनस साइन आशीष दिखेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये पॉजिटिव गायब हो जाएगा, नेगेटिव गायब हो जाएगा, पाई प्लस आशीष, मतलब सर माइनस साइन आशीष दिखा, आशीष दिखा, चलो बोलो क्या आएगा? माइनस साइन आशीष को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन पाई प्लस आशीष, तो इसको क्या लिखेंगे? इधर छेड़ना नहीं, हमेशा इधर ही छोड़ना, साइन पाई प्लस आशीष मतलब पाई बाय सिक्स। कितना इजी है भाई, मतलब सर आप ये जो टेक्निक दिए ना ये बहुत मस्त है सर, सच में। अगर ये देखो फोर्थ में मैं समझ गया, फोर्थ में मैं ये समझ गई कि माइनस साइन आशीष को क्या लिखना है। मैंने पहले बोल दिया मैं तुम लोग को ये बता दूंगा कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके बाद तुम लोग अपना अपना नाम दे के करो सॉल्व। तो अभी क्या आएगा? साइन एक क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्स पाए प्लस पाए सेवन पाए बाय सिक्स, और साइन टीटा इज इक्वल टू वॉट? तो आप कंपेयर करो टीटा इज इक्वल टू सेवन पाए बाय सिक्स। अच्छा सर सेवन पाए बाय सिक्स क्या होता है? सेवन पाए बाय सिक्स, अब मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुन, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और सुन मेरी बातों को सिर्फ ये प्लीज़, इसको हटा तो दिया लेकिन मेरे साथ नोट्स बनाओगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा तुम्हारा। सेवन पाई बाई सिक्स देख बच्चा, ये देख मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए टेक्निक यूज़ करता हूँ। पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होता है? पाई बाई सिक्स का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू सेवन, 30 इंटू 7 210, तो इसका आंसर आएगा 210 डिग्री। नहीं भरोसा, चल यहाँ पर देख ले 180 अपॉन पाई, ये पाई पाकेट कैंसिल, 1 3 0 देख 210 डिग्री। मेरा बोलने का मतलब ये नंबर को छोड़, जो बचा हुआ मान लेना उसको इससे कंपेयर कर, हमेशा दिखेगा। तो पहला तो मिल गया अपने को, पहला क्या मिला? 7π/6 आंसर आ गया। सर सॉल्व हो गया क्या? नहीं नहीं बच्चा, 1 मार्क मिल गया, और एक बाकी है। सर क्या बाकी है? थर्ड क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी बात करना है, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। चल भाई जरा साथ दे मेरा, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट एवरीवन जरा साथ दो। पहला तो सर आप बोलोगे क्वेश्चन लिख, हाँ क्वेश्चन लिख माइनस हाफ, तो सर इसके बाद आप डायरेक्टली चालू नहीं करते, आप बोलते कि ये छोड़, ये इसका बेसिक फॉर्मूला बता, बेसिक बोल। साइन के टर्म में साइन का टेबल हाफ कब आता है? साइन पाई बाय सिक्स। अब सर हम लोग समझ गए, अब इतना आइडिया लग गया है। फोर्थ क्वार्टर में देखने का माइनस साइन आशीष को क्या लिख सकते हो? माइनस साइन आशीष को साइन 2π माइनस आशीष, तो साइन 2π माइनस आशीष मतलब पाई बाय सिक्स। साइन क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस पाए, तो ये आएगा 11 पाई बाय सिक्स, और साइन टीटा, और टीटा का वैल्यू क्या है? 11 पाई बाय सिक्स, ये आंसर है अपना। अच्छा फाइनल आंसर क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन टीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज, ये जो भी है वो तुम लोगों को समझना चाहिए। और ये लिख दो, स्टेट बोर्ड है ना अपना, अपन लिखेंगे 11 पाई बाय सिक्स जो होता है ना सर जी, 0 और 2 पाई के बीच में, यहाँ पर 7 पाई बाय सिक्स जो है ना 0 और 2 पाई के बीच में। एक बात बताओ सर, इसका शॉर्टकट बताओ ना क्या आएगा? 11 पाई बाय सिक्स ना, तो इसका बताओ पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री, 30 इंटू 11 करेंगे तो 330 डिग्री, फोर्थ क्वार्टर में 330 डिग्री, बहुत सही, समझ पा रहे हो ये चीज़? चल एक काम करो, वीडियो पॉज करो, सब लोग वीडियो पॉज करो, और जो मैं सेकंड वाला सम दे रहा हूँ ये तुम लोग करोगे, सेकंड वाला सम तुम लोग चालू हो जाना। अच्छा पहले स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिया, चलो अब थियरी लिखना के कंटाला आ रहा है, अब थियरी वगैरह नहीं लिखूंगा। सेकंड वन, टेन टीटा इज इक्वल टू वॉट? माइनस वन। चलो बताओ, चलो वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करो, टेन टीटा इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। चलो यहाँ पर अगर किसी ने सॉल्व किया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व किया रहेगा तो बुरी बात है यार। हाँ ऑब्वियसली नहीं सॉल्व किया तो अच्छी बात कहाँ से हो सकती है सर। सबसे पहले टेन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? नेगेटिव पहले में तो नहीं आएगा, दूसरे में, चौथे में, दूसरा और चौथा, तो क्या आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, और किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं ये ऐसे लिखूंगा, समझ गए ना तुम लोग चीज़ें? समझ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। बताओ सबसे पहले तो सर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मालूम है आपको? ये सेकेंड क्वाड्रेंट ये, हाँ ये देखो, एक ये वाला यूज होएगा, मतलब माइनस टेन आशीष को आप 10π/6 लिखोगे, और एक ये वाला यूज होएगा। ये देखो जजमेंट तुरंत दे लेने का, ये यहाँ पर देख के तुरंत, तो मतलब एग्जाम हॉल में जाके सबसे पहले ये टेबल बना देने का। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट, चलो भाई साथ दे। पहले तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस है ना, माइनस वन की जगह पे क्या लिखोगे? वन की जगह पे क्या लिखोगे? टेन का वन, टेन का वन क्या आएगा? 45। अरे बहुत टाइम बाद आया यार 45। तो प्लीज़ कंपेयर मत करना टीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, नहीं 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 नहीं, अपने को फॉर्मूला जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक मतलब नहीं। यहाँ पर क्या, अरे इधर है, माइनस टेन आशीष को, माइनस टेन आशीष को टेन
पाई माइनस असिस लिख सकते हो पाई बाय फोर और क्रॉस मल्टीप्लाई टेन फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर और टेन टीटा. अब लिखो टीटा इज इक्वल टू क्या है थ्री पाई बाय फोर. अगर किसी बच्चे को इसका आंसर चाहिए तो थ्री पाई बाय फोर. पाई बाय फोर मतलब 45 डिग्री. 45 इंटू थ्री करेंगे तो 135 135 डिग्री चलेगा. चलिए यहाँ पर बता सबसे पहले सर टेन टीटा इज इक्वल टू माइनस वन. आप पहले ही नहीं भोंकने लग जाते हो. आप बोलते हो कि सबसे पहले इसका टेबल से वैल्यू निकाल. सबसे पहले ऊपर वाला टेबल पहला आया ना फिर दूसरे में ये आएगा. देखो ये याद रखना ऊपर वाला टेबल फिर दूसरे में ये आएगा. बोलो याद रहेगा तुम लोग को यस और नो. हाँ या ना. माइनस वन वन का क्या लिखेंगे टेन पाई बाय फोर. अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस टेन आशीष को क्या लिखेंगे माइनस टेन आशीष को. माइनस टेन आशीष को क्या लिखोगे टेन टेन माइनस खा जाता मालूम है ना. इधर से इधर आते माइनस खा जाता. कुछ बच्चे ने तो क्वेश्चन पूछते बैठेंगे सर माइनस कहाँ गया. अरे माइनस टेन आशीष को देखो क्या लिखा. माइनस टेन आशीष को टेन टू पाई माइनस आशीष लिखना है. तो यहाँ पर टेन अब क्रॉस मल्टीप्लाई एट सेवन पाई बाय फोर. सेवन पाई बाय फोर खुद से मल्टीप्लाई करो और देख लो टीटा इज इक्वल टू क्या है सेवन पाई बाय फोर. ये आ गया. चलो आगे बात कर लेते. एक काम करते एक लेवल इंक्रीज करते थोड़ा सम का और यहाँ पर हटा देता हूँ. रब करो. चलो रब कर रहा हूँ. देखो ये इंपॉर्टेंट ये एक बार आया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक बार आया था तीसरा वाला रूट थ्री कोसेक टीटा प्लस टू इज इक्वल टू और जीरो. मतलब अच्छा क्वेश्चन ये फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो अपने को एक काम करना है इसको सिंगल बनाना. सिंगल मतलब मेरे जैसा. अरे सर क्या फेंक रहे हो. प्लस टू से रहेगा तो माइनस टू कोसेक टीटा लिखो. कोसेक टीटा इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन क्या आएगा रूट थ्री. बोलो ये क्लियर हो गया. अच्छा इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते. अरे सर साइन कॉस टेन नहीं दिख रहा है साइन कॉस. तो एक काम करना तेरे को याद आया क्या याद आया रेसिप्रोकल. बहुत सही यार बच्चा. तो हम लोग लिखेंगे कोसेक टीटा इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री इज सेम एज. चलो रेसिप्रोकल करो. कोसेक का उल्टा क्या होता है. कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन साइन टीटा. अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर माइनस का उल्टा होता है. माइनस का कुछ नहीं होता है. टू अपॉन रूट थ्री का क्या होगा रूट थ्री अपॉन टू. मतलब अपन इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ साइन टीटा इज इक्वल टू नेगेटिव देयर फॉर टीटा लाइज इन वॉट. ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई. नेगेटिव वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पहले में दूसरे. ये देख यही दोनों हाईलाइट तो किया देख रेड लाइन से बना के भी रखा है. वाह चल तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे. साइन टीटा नेगेटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करते हैं. चलो थर्ड क्वाड्रेंट में टीटा क्या आना चाहिए 180 से 270 के बीच में. चलो सबसे पहले क्या करेंगे साइन टीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस रूट थ्री बाय टू. सबसे पहले आप बोलोगे टेबल से वैल्यू निकाल रूट थ्री बाय टू का. रूट थ्री बाय टू का सर यहाँ पर भी है. अबे गधे साइन लिखा ना साइन का देख सिर्फ साइन का क्या आएगा साइन पाई बाय थ्री. तो क्या लिखोगे ये माइनस का माइनस इसका क्या लिखोगे साइन पाई बाय थ्री. चलो बोलो अब ये वाला टेबल पे आने का माइनस साइन असीस को क्या लिखोगे साइन पाई प्लस असीस. चल भाई सर ये तो थक गया मैं अभी याद हो गया मेरे को पाई बाय थ्री. बहुत सही स्पीड बढ़ा ले स्पीड बढ़ा ले वीडियो का. थ्री पाई प्लस पाई क्या आएगा थ्री पाई प्लस पाई फोर पाई बाय थ्री साइन टीटा. टीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फोर पाई बाय थ्री. एक आंसर मिला. दूसरे में मचलना नहीं है. देख फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी बात कर ले. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो 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 क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा. यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन लिखो. ये वाला क्वेश्चन नहीं है मेन तो यही था लेकिन हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं. माइनस रूट थ्री बाय टू आगे साइन सबसे पहले वो टेबल से वैल्यू. टेबल से रूट थ्री बाय टू का वैल्यू साइन पाई बाय थ्री. साइन पाई बाय थ्री अब बोलोगे ये टेबल से माइनस साइन आशीष को क्या लिख सकता है. माइनस साइन आशीष को साइन टू पाई माइनस आशीष लिख सकता है. साइन टू पाई माइनस आशीष मतलब पाई बाय थ्री. समझ गया ना ये चीज. साइन क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स फाइव पाई बाय थ्री फाइव पाई बाय थ्री. समझ गए ये चीज. साइन टीटा टीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फाइव पाई बाय थ्री. ये आंसर चेक कर लो चाहे तो. जीरो से 360 के बीच में आने वाला है. एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्लीज जरूर करना जरूर करना. टू साइन टीटा प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो. सर जरूर क्या करना देखो अभी उड़ा देता हूँ. यहाँ पर देखो वीडियो पॉज कर लो. टू साइन टीटा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस रूट थ्री. साइन टीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस रूट थ्री बाय टू. अरे सर जी एक बात बताओ क्या बताओ. ये देख समझ जाओ समझने वाले समझ गए रहेंगे क्या मैंने बोल दिया. अरे यही क्वेश्चन है वापस दे दिया घुमा के. समझ पा रहे हो ये चीज. तो अभी टाइप टू भी खत्म होता है. टाइप टू भी खत्म हो गया सर. हाँ बच्चा टाइप टू भी खत्म हो गया. टाइप थ्री बहुत आसान है. पहले तुम लोग सोचो टाइप थ्री क्या रहेगा यार. टाइप थ्री रहेगा क्या इतना सब कर रहे हैं तो टाइप थ्री क्या रहेगा. सब तो हो गया. देखो टाइप वन में क्या सीखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है.
टाइप टू में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव है, ग्रेट। ओके बच्चा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तीसरा जीरो, जीरो, यस यस यू हर्ड राइट, जीरो के बारे में भी सीखना है। प्लीज पहले इसको कॉपी कर लो, फिर बात करते अपन। सो गाइस टाइप थ्री एक काम करते हैं हम लोग, टाइप थ्री के लिए उसको नेक्स्ट वीडियो में लेते, ताकि यार वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया। मुझे मालूम है फ्लो था, तुम लोग बोल सकते हो कि सर फ्लो है ले लो अभी टाइप थ्री। नहीं बच्चा, सब नहीं देखते वीडियो उतना बड़ा लेंथ। कुछ बच्चे तो वीडियो का लेंथ, अरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो एक बंदा है जो 10 मिनट में खत्म कर रहा है, अरे के आशीष सर है पागल जैसा इंसान 40-50 मिनट ले लिए। अरे चीज़ें तो समझ यार, तू कहाँ कंपेयर कर रहा है किसको किसके साथ, वो तो तुम लोगों को खुद ही मालूम पड़ता रहेगा। जब तुम लोग अगर सब वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों को शायद मालूम पड़ता रहेगा, कंपेयर करने की बात ही नहीं। सब टीचर अपने अपने लेवल पे सही है, कोई गलत नहीं है। मेरा बोलने का मतलब हम बैठे हम बच्चों को फील कर रहे हैं कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं, इस लेवल पे बात हो रहा है। अगर तेरे को थोड़ा भी नॉलेज है तो दूसरा चैनल रिफर कर सकता है, ग्रेट, या तेरा टाइम बच जाएगा। लेकिन हमने फील किया है बच्चों को, इसलिए यहाँ पर वीडियो का लेंथ बढ़ा है और बच्चों के लिए फायदेमंद ही है। चलो टाइप थ्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करके जाना, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेंशन कर देना। लॉगिंग आउट।